सवाल दिया गया है, ठीक है, ये बोर्ड मास के नियम अनुसार लगेगा, इसको पैसे लगाएंगे, अभी देखो 2 मिनट भी लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। बोर्ड मास का नियम कहता है कि अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट वाली संख्या हल करेंगे, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया, ठीक है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, अभी ब्रैकेट वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें लगवा देंगे, हल करवा देंगे। ये सवाल आपका दिया गया है, इसमें भाग का भी निशान है और घटाना के भी है, गुणा का भी है। तो सबसे पहले भाग लगाते हैं, उसके बाद में गुणा वाला हल करते हैं, फिर जोड़ और उसके बाद में घटाना, उसी क्रम से अगर लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। चलो लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर दिया गया 18 और भाग 6, तो ये करना है कि 6 का पारा कितनी बार बढ़े तो 18 से ज्यादा है, तो 6 3 18 3 बार में चला जाएगा। इन संख्या को जब हल किया तो यहाँ पर 3 आ गया, -5 है तो -5 लिख लेंगे, गुणे 3 प्लस 18 माइनस 12, सॉरी 12 नहीं लिखे, क्यों 12 इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखो भाग का निशान है, इसको भी हमें हल करके चलना है, तो 6 का पारा पड़ेंगे 12 से ज्यादा ना हो, दूसरी बार 2 बार से चला जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, जिस निशान के साथ संख्या होगी वही निशान लगाने में, कुछ नहीं करना है, इसको हल कर लिया बस उसके बदले 2 मिल गए, पूरे निशान लगाने के बाद में 3 बचे 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर गुणा कर लेना है, ये 3 माइनस, अब देखो यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, क्यों, जब सर इनको इनको हल करेंगे यहाँ इसके बीच में गुणा का निशान दिया गया है, तो 15 यानी 5 दिया 15, तो यहाँ पर 15 आ गया, फिर ये संख्या हल हो गई, प्लस का निशान बचा, प्लस का निशान लगा दो 18 माइनस, अब देखो यहाँ पर भी इसको नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हल कर लेंगे, 2 गुणे 3 लिखा है तो हम इसकी गुणा करवा देंगे, तो गुणा तो आएगा 6 लिख दिया है। अब देखो भाग भी हल कर लिया, गुणा वाले निशान भी हल कर लिए, उसके बाद में क्या बचा है, जोड़, अब जोड़ को हल करेंगे, देखो जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं है वो भी संख्या आपकी धनात्मक है, वो भी क्या बोल सकते हो उसको प्लस की संख्या है, ठीक है, जोड़ की है, तो ये है और ये है, बाकी है तो ऐसा करो इसको और इसको जोड़ लेंगे दोनों को, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएंगे, 18 भी को जोड़ लिए, ये प्लस प्लस वाले संख्या जोड़ लेंगे, इधर माइनस माइनस वाले भी जोड़ लेंगे, लेकिन निशान माइनस पे माइनस का ही रहने के इतना ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे, ठीक है, 15 माइनस के 6 माइनस के ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो 21 हो गए, आप प्लस वाले से माइनस वाले संख्या घटा देंगे, प्लस के भी 21 है और माइनस के भी 21 है, जब दोनों को बताएंगे तो इनका जो जो संख्या आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।